और कोयटा से ही खबर, जहां ट्रैफिक वार्डन को कुचलने के इल्जाम में गिरफ्तार रुकने सूबाई असेंबली मुजीब अचकजई के शहाना अंदाज, हवालात में बंद मजीद खान के लिए एयर कूलर लगा दिया गया। पुलिस एहलकार रुकने असेंबली को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, पेटी बंद भाई को भूल गए हैं और इस वक्त जी हजूरी कर रहे हैं। कोयटा से हम खबर आपको दे रहे हैं, हवालात की गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर लगवा दिया गया है, जबकि पुलिस एहलकार रुकने असेंबली को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा। रशीफ खलील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। खलील अहमद, 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर इन्हें पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन वहां पर शहाना अंदाज है इनके। जी हाँ बिल्कुल, मजीद खान अचकजई के लिए जो है वो थाने में एक एयर कूलर भी लगा दिया गया है गर्मी से बचने के लिए, जबकि उनके जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी वीआईपी जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनकी मुलाकातें एसएचओ के कमरे में की जा रही हैं, जहां पे उन्हें ड्राई फ्रूट और इसके अलावा दीगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पेश की जा रही हैं, जबकि अगर कोई और लोग जो दीगर कैदियों से मिलने जाए तो उन्हें 2-2 दिन इंतजार कराया जाता है। लेकिन 3 दिन तक सिवल था जो आज तीसरा दिन है ईद का, और सिवल लाइन थाने में जो है वो मुलाकातियों का तांता भर रहा है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मजीद खान अचकजई कितने खुशगवार मूड में, क्योंकि उनको इस थाने में वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो कि उनके घर में उनको मुयस्सर हैं। लेकिन थाने में भी जो पुलिस के तमाम एहलकार हैं उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, और डीएसपी से एसएचओ से लेकर जितने कांस्टेबल हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि अब वो तस्वीर भी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे, जिसमें जिस गाड़ी से जो है वो ट्रैफिक वार्डन को कुचला गया था उसको चलाते हुए मजीद खान अचकजई नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अमली मुजाहरा देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया खलील अहमद इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोयटा में पुलिस एहलकार की हलाकत का नोटिस ले लिया है। गुज़श्ता हफ्ते कोयटा के जीपीओ चौक में रुकने सूबाई असेंबली मजीद खान अचकजई की मिल्कियत गाड़ी ने पुलिस एहलकार को कुचल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका जिम्मेदारान से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बीए मजीद अचकजई की गाड़ी ने पुलिस एहलकार को कुचला था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका नोटिस लिया गया है, मुतालिका जिम्मेदारान से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वाज़ह रहे कि मजीद अचकजई 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त पुलिस के पास हैं।